हेलो गाइस, तो ये मेरी ब्रांच है फतेहपुर सीकरी आगरा में। तो ये मेरे बाहर का आउटलुक, ये अब हम एंटर हो रहे हैं, तो दिखते हैं कैसा क्या है, कौन कौन आ गया स्टाफ में। ये मेरा अंडर का इंटीरियर, सब कुछ ब्रांच का इंटरनल, ठीक है। और साथ में ये अभी कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए। हेलो गाइस यार, तो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अपने RRB PO जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा। तो लिटरली मेरे फेस के स्माइल से पता लग रहा हो कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ RRB PO में। ऑब्वियसली लिटरली शायद कि ऑब्वियसली सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आगे के लिए RRB मतलब नेशनलाइज बैंक के लिए कोई अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। और 17th of May को मेरा 1 ईयर कम्प्लीट हो गया, तो बहुत मैं तो खुश बहुत बहुत खुश हूँ, ठीक है RRB POs में। तो अब बात करते हैं हमारा 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, मैंने क्या क्या वर्क देखा। संडे छुट्टीज में मैं आया नहीं आया, ठीक है, मुझे छुट्टियाँ मिली नहीं मिली, कितना प्रॉब्लम्स हुआ, सब कुछ इस मैटर में बात करते हैं। तो एक्चुअली बात स्टार्ट होती है RRB POs की तब जब मेरा 1st of January 2022 में रिजल्ट आता RRB PO और RRB क्लरिकल। RRB PO में मुझे आर्यव्रत बैंक मिला, RRB क्लरिकल में प्रथमा बैंक मिला। ऑब्वियसली मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो बात आती है फिर इसको, मेरा 4 मार्च को DV हो गया। IBPS PO में ऑब्वियसली मेरा मेंस हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन क्लियर नहीं कर पाया। उसी बीच मेरा SBI क्लरिकल भी आ गया, तो वो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था। बात करते हैं उसके बाद हमारा, मुझे जब DV हुआ था तो अब आपको तीन ब्रांचेज तीन चॉइसेज मांगी जाती हैं। तो मैंने फर्स्ट आगरा, सेकंड हाथरस, थर्ड अलीगढ़ की डाली थी। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे आगरा ही मिल गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, ठीक है, रीजनल ऑफिस। तो मुझे RRB PO के लिए आर्यव्रत बैंक में आगरा रीजन मिल गया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होती है 17th of May को, जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी 5 दिन की, 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। उसके बाद 22 को संडे था, तो 22 को मैं ऑब्वियसली आगरा आ गया, क्योंकि मुझे 23 को रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना था। तो 23 को रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट किया, 23 और 24 की हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, 25 को ब्रांच में जाना था। तो 24 को इवनिंग में हमें हमारी ब्रांच अलॉट कर दी गई कि आपकी ये वाली ब्रांच है, ठीक है। तो मुझे किरावली ब्रांच मिली, जो आगरा से 20 किलोमीटर है, जयपुर रोड पे, और मुझे मेरे घर से, होम टाउन से सिर्फ 160 किलोमीटर था। तो हो सकता है ये रीज़न भी हो मेरा कितनी खुशी का, क्योंकि मैं हर वीकेंड्स पे, हर छुट्टी पे घर जा पा रहा था। मेरे लिए ऐसा था कि मैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि मॉर्निंग में आया हूँ और शाम को वापस घर चला गया, ऐसा भी हुआ, क्योंकि इससे 3 घंटे का रास्ता, तो वो इतना लगा नहीं कभी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ लिटरली, शायद हो सकता है इसी वजह से इतनी खुशी हो। तो ये चीज़ हुई। तो 25 को मैं ज्वाइन किया, तो वहाँ पे बहुत सही स्टाफ था। लिटरली हमारी जो मैनेजर थी मंजरी मैम थी, वो बहुत सही फीमेल थी, बहुत सही, लिटरली शी वॉज वेरी गुड। तो ऑब्वियसली मैं उनके अंडर सिर्फ 15-20 दिन काम किया था, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली इंटरनल ट्रांसफर चल रहे थे। तो हमारा 3-4 स्टाफ गए थे, 3-4 स्टाफ नहीं आए थे। तो ये चीज़ हुई थी। तो एक्चुअली 24 को ही मेरे पास कॉल आ गया था हमारे यूनियन का कि सर आपको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आसिफ सर हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। तो एक्चुअली मैंने उनसे कॉल कर लिया था, उन्होंने एक्चुअली मुझे होटल से पिकअप किया था और वहीं मुझे ड्रॉप किया था इवनिंग में। तो इट वॉज वेरी गुड। तो एक्चुअली मैंने 1 साल में क्या काम किया, एक्चुअली मेरा जो 1 साल में एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि मैंने डिपॉजिट देखा, मैंने पब्लिक डीलिंग ही की है। 1 साल में मेरा पूरा काम पब्लिक डीलिंग का ही हुआ, वेरीफाई करने का काम है, तो ऑब्वियसली ऑफिसर है, तो सारा काम पेमेंट्स वेरीफाई करना, रिसीट वेरीफाई करना, ठीक है, अकाउंट्स ओपन वेरीफाई करना, जो भी किसी के अकाउंट्स डोरमेंट हो गए तो उनको एक्टिव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं वो करना, KYC करना, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी वो है उनको क्लेरिफाई करना कि सही है या नहीं है, जो भी पब्लिक डीलिंग होती है, जो भी डिपॉजिट का वर्क होता है वो मैंने ही देखा लिटरली, क्योंकि हमारे एक्चुअली स्टाफ काफ़ी था, हमारे 8 का स्टाफ था। तो 2 क्लैरिकल थे, तो वो मेरे साथ वर्क करते थे, और मैं ऑफिसर था डिपॉजिटर में, तो मैं एक्चुअली कैश का, डिपॉजिट का हेड भी था। तो एक्चुअली मैं, मुझे ही सब कुछ देखना था। तो हमारे पास ऑब्वियसली टारगेट्स आते थे, एक्चुअली हमारे पास टारगेट्स, मेरे पास क्या था ऑब्वियसली कि आपको डिपॉजिट इंक्रीज करना है, तो यार ऑब्वियसली डिपॉजिट तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा आपको, तो डिपॉजिट इंक्रीज करना होता था। तो वो RO से, रीजनल ऑफिस से ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो कॉल आएंगे, ऑब्वियसली आप एक उस पोजीशन में बैठे हो और आप उसको डिपॉजिट को ऐड कर रहे हो, तो मेरे पास वो कॉल आया करते थे। साथ में जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा, उनके लिए ऑब्वियसली टारगेट आते थे, अटल पेंशन के लिए टारगेट्स आते थे ऑब्वियसली, लेकिन हो जाते हैं। और इतना मतलब ऑब्वियसली टारगेट्स तो आपको देंगे ना यार, आप एक चीज़ बताओ, टारगेट बिना आप क्या करोगे। तो ऑब्वियसली टारगेट्स आते हैं, ऑब्वियसली हमने अचीव भी करते थे, मतलब ऑब्वियसली होता है कि आपको पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, लेकिन हम अपना ट्राई करते थे पूरा। तो ऑब्वियसली और सुरक्षा, वो अकाउंट्स ओपन करना, नॉर्मल अकाउंट्स, जनधन अकाउंट्स ओपन करवाना, ये हमारे टारगेट्स आया करते थे, तो ऑब्वियसली हम वर्क ऑन करते थे। साथ में क्या, सैटरडे संडेज में आना होता था, तो एक्चुअली मैं डिपॉजिटर था, मैं डिपॉजिट ऑफिस को हेड कर रहा था। तो एक्चुअली मैं कभी भी सैटरडेज संडेज में कभी नहीं आया हूँ, ठीक है, मतलब छुट्टी वाले दिन मैं कभी भी नहीं आया हूँ। हाँ ऑब्वियसली जो लोग एडवांस सेक्शन में, एडवांस लोन्स एंड एडवांसेज में थे, वो लोग सैटरडे संडेज में आए, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि वो हर सैटरडे संडे में आए, जब क्वार्टर एंड होता है या तो तब आते हैं, या फिर जब ईयर एंड था तब आए थे, ठीक है, ये चीज़ थी। अब बात है कि मैं किस जाता था और कितने बजे बैंक से फ्री होता था। तो नॉर्मली एक बात करता हूँ, मैं नॉर्मली सेंस में बात करें तो नॉर्मली मैं 9:40 पे अपने घर से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा बैंक है, मैंने वहीं पर किरावली में ही अपना रूम ले रखा है। तो
वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम है, तो 9:40 के आसपास निकलता था, 9:45 पे पहुंच जाता था। वहाँ पे 10-15 मिनट मेरा सिस्टम ओपन किया, वहाँ डिपॉजिट देखना कि आज कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांस है लास्ट डे का, वो चेकआउट करना। और नॉर्मली हमारा, क्योंकि हम 10 से 5, हमारा ये सिस्टम रहता था ना कि हमारे सभी स्टाफ का नॉर्मली, क्योंकि ये ब्रांच भी, टू ब्रांच भी डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क को करते हो, क्योंकि वहाँ एक कल्चर होता है। तो हमारा ये कल्चर था कि आप सुबह से ही लग जाओ ताकि आपका शाम को टाइम से ब्रांच बंद हो जाए। तो नॉर्मली हमारी ब्रांच 5:30 तक, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ब्रांच बंद हो जाती, कभी कभी 6। हाँ, क्वार्टर एंड्स में ऑब्वियसली, जैसे क्वार्टर एंड, अभी क्वार्टर एंड चल रहा है जून का, तो हो सकता है, अभी तक तो नहीं गई बिल्कुल भी, लेकिन हो सकता है क्वार्टर एंड के लास्ट टाइम पे, मतलब 6:30 भी बज जाते हैं कभी कभी। जैसे ईयर एंड में हुआ हमारे साथ, फरवरी और मार्च में हमारी ब्रांच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-7:30 के आसपास ब्रांच बंद हो रही थी। अब यार उसमें आपका समझ में भी आता है, ऑब्वियसली वर्क ज्यादा होता है, एनपीए और डाइवर्जन को कम करना होता है, एनपीए को कम से कम लाना होता है, कि आपका ईयर एंड होता है, डिपॉजिट ज्यादा बढ़ाना होता है, ठीक है, काफी सारे और भी काम होते हैं जो आपको देखने होते हैं। तो इस वजह से हमारी ब्रांच इतना थोड़ा लेट बंद हो रही थी क्वार्टर एंड में, वरना सब कुछ सही था। बात कर लेते हैं छुट्टियाँ, छुट्टियाँ कितनी मिलती है। देखो गाइस, हमें 12 CL मिलती है ईयर में और 15 मेडिकल मिलते हैं। तो लास्ट ईयर की मेरी, और केवल मैंने 2 मेडिकल ली थी और 6 CL ली थी पूरे, मतलब जून मई से लेके दिसंबर तक, तो ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी छुट्टियां बच गई थी। तो ऑब्वियसली छुट्टियां लेने में ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आता है अगर आपका स्टाफ कम होता है, लेकिन एक्चुअली हमारे स्टाफ काफ़ी एक्सेस में था, तो मुझे वो छुट्टी वाली कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ भी हुआ। ऑब्वियसली हमारे पीएल, तो वो पीआरआई तो नहीं मिल पाई एक्चुअली, हमारा जो बैंक का प्रॉफिट ओवर ठीक था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमें पीएलआई नहीं मिल पाई। बात करते हैं अलाउंसेस वगैरह, अलाउंसेस ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, सैलरी सेम होती है नेशनलाइज बैंक के जितनी, तो इतना डिफरेंस नहीं आता। अगर डिफरेंस आता भी है तो 40-50 हज़ार का डिफरेंस आता है यार, तो इतना डिफरेंस आता नहीं है। बात करते हैं कल्चर, यहाँ का स्टाफ बहुत, पता मैंने लिटरली देखा, नेशनलाइज बैंक के कंपैरिजन में यहाँ पे स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव होता है, बहुत कोऑपरेटिव होता है यहाँ पे। आप अगर, आपको हमारे पास ज़्यादा वर्कलोड है, तो मेरे, मतलब मेरे कलीग से सागर सर और आशित सर, तो आशित सर तो एडवांस देख रहे थे, लेकिन सागर सर वो मिसलिनियस वर्क भी देखते थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, मतलब वो बहुत हेल्प करते थे। मेरे पास ज़्यादा वर्क होता था तो ऑब्वियसली वो मेरा वर्क करवाते थे, तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है। साथ में मैंने, इसी के साथ में अभी मेरा मई में जब कंप्लीट हो रहा था 1 ईयर, तो मैंने साथ में फर्स्ट अटैम्प्ट में, एक्चुअली मैं नवंबर वाला अटैम्प्ट दे नहीं पाया था, द रीज़न वॉज कि मेरा आईबीपीएस पीओ मेन्स था, तो ऑब्वियसली एक ही चूज़ करना था मुझे, तो इसलिए दे नहीं पाया था। इस बार मैंने जीआईबी का एग्जाम दिया, ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया, बिल्कुल ईजी फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर्स के मैंने क्लियर कर लिया, और साथ में ही मेरा ट्रांसफर भी हो गया अभी 30th को। तो मैंने 31 मई को ज्वाइन कर लिया दूसरी ब्रांच फतेहपुर सीकरी, ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, बुलंद दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है वर्ल्ड का, ठीक है, तो वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वहाँ पे ब्रांच, वहाँ पे भी काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है एक्चुअली, वहाँ की सभी स्टाफ को मैं ऑलरेडी जानता था, क्योंकि वो 10 किलोमीटर ही है, और मैं एक बार अटैचमेंट पे वहाँ पे वर्क भी किया मैंने, तो बहुत सही है। और आपको डेपुटेशन पे भी अच्छा पैसा मिल जाता है, तो पैसा देखो आपको हर चीज़ का बैंक अलाउ करता है, और अगर आप सही से वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली। अगर आप अपना वर्क डेडिकेशन से करते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आने, आप परेशान नहीं होने। हाँ ऑब्वियसली आपको सही अपना काम करना होता है, एथिक्स बना के रखने होते हैं वर्क कल्चर में, और साथ में वहाँ पे भी काफ़ी सही चल रहा है, जीआई भी क्लियर हो गया, फर्स्ट इंक्रीमेंट भी लग गया मेरा, ठीक है, तो उसकी वीडियो बना देंगे कि 1 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट रहता है, तो बहुत सही है यार, बहुत सही है। अभी तो मेरा 100, पहले 160 था, 150 किलोमीटर रह गया, तो मैं अभी भी हर सैटरडे संडेज ऑब्वियसली जा पाऊंगा, देखते हैं कब तक यहाँ पे रहते हैं, तब तक सही मेरी ज़िंदगी, मतलब घर जाने की ज़िंदगी कट रही है, बहुत सही रहता है। तो अगर आप घर जा पाते हो तो यार बहुत सही लगता है आपको, और कुछ रह गया हो तो यार बता दो मुझे वीडियो में, ताकि ऑलमोस्ट मेरी तरफ से सब कुछ हो गया, छुट्टियाँ हो गई है, वर्क कल्चर हो गया, मैं क्या वर्क देखा, मैंने कितने बजे घर से निकलता हूँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ किरावली में अकेला ही रह रहा हूँ, मेरा रूम है, दिखा दूंगा एक दिन, किसी दिन रूम कैसा क्या रहता है, एक वन डे लाइफ ऑफ ए बैंकर वीडियो जैसे बने हुए हैं, आई विल मेक दिस वीडियो, कैसा क्या रहता है, सब कुछ सही है, सेटल है, और बहुत सही लग रहा है यार ब्रांच में, मुझे तो बहुत सही लगा लिटरली, बहुत सही ब्रांच आ रही है हमारी, बहुत सही वर्क जा रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। ऑब्वियसली आपका आरआरबीपीओ फर्स्ट बैंक होने, एग्जाम होने वाला, तो ऑब्वियसली यार क्लियर कर लूँ जल्द, इतना जल्दी हूँ, मतलब ऑब्वियसली 1 जनवरी को ही रिजल्ट आने वाला, और उसको क्लियर करके आराम से सिलेक्शन लो, बहुत सही जॉब है, बहुत सही, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सही जॉब है, तो इस जॉब को ले लो, और बहुत सही वर्क कल्चर है यार आरआरबीज में, अगर आप देखेंगे, अगर आपको काम नहीं करना है तो सब जगह वर्क कल्चर खराब है, तो बहुत सही एक्सपीरियंस है, ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आरआरबीपीओ के लिए, दिन रात एक कर दीजिए, अच्छे से मार्क्स लगाइए, और यही है मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, और पढ़ते रहिए, बाय बाय। गाइस आई एम शेयरिंग यू सम ऑफ द फोटोज़ जो मैंने बैंकिंग में ली है, कुछ ज़्यादा फोटोज़ नहीं है, लेकिन कुछ फोटोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ एंजॉय दिस फोटोज़, और अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर आरआरबीपीओ एग्जाम, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।